गुड मॉर्निंग जी, नया दिन नई शुरुआत। और समय शर्मा जी देखिए मस्ती से लेटे हुए रिलैक्स कर रहे हैं। बेटे आज जितनी मौज करनी है ना कर ले तू, कल तेरा स्कूल है, याद रखियो। मौज ले रहा लड़का, और इसके चक्कर में मैं भी लेट हो जाता हूँ। रात को इतनी गप्पे मर जा रहा था। रात को ये सोया है 2:30 बजे, और रात को हमने खाना भी 2:30 बजे खाया है। ये 2:30 बजे सोया, ये तो सो गया, मुझे नींद नहीं। मैं सोया हूँ सुबह 4:30-5 बज गए भाई, और आज गुड मॉर्निंग हो रही है बड़ी लेट। हालांकि गुड आफ्टरनून हो गया, अभी हो रहे हैं जी 12:30 हो रहे हैं भाई, बताओ। चलो कोई नहीं, कल से शेड्यूल बनेगा सही। समर शर्मा जी उठेंगे सुबह 7 बजे। क्यों जी समर शर्मा जी, कुछ कहना चाहते हैं आप सुबह 7 बजे उठने के बारे में? 6 बजे बता दो। बहुत बेकार है। चलिए जी पहले जरा ब्रेकफास्ट कर लें और एज यूजुअल अपने दिन की शुरुआत। दोबारा से स्कूल बंद हो जाए मुझे आएगा। 7 बजे नहीं उठना पड़ेगा यार। मेरे को स्कूल जाने में दिक्कत नहीं है, किसी में दिक्कत है, मेरी नींद खराब हो जाती है। अच्छा, सरकारी स्कूल में डाल दें फिर, दोपहर को चालू होता है 1 बजे 2 बजे। शुरुआत करेंगे एज यूजुअल फ्रूट से, और बादाम हम कहाँ खा चुके हैं, हमारे पेट में जा चुके हैं। ओ तेरी तो भाई, ये तो फिर राइम बन गई। बादाम हम खा चुके हैं, हमारे पेट में जा चुके हैं। तो यार रोज अपने आप राइम निकल रही है भाई, शायर बन रहा हूँ शायर। और ये है जी पाइनएप्पल। तो करते हैं जी ब्रेकफास्ट, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो जी फ्रूट्स खाने के बाद खाएंगे हम एक प्लेन पराठा विद मटर न्यूट्री। आई लव दिस सब्जी भाई, मटर न्यूट्री। यार समर, यार मैं सोच रहा हूँ गुड लक को नहा दे यार। चलो नहाए। तो ये नाश्ता हो गया है हमारा, और अरे पूल में थोड़ी घुसाएगा, उसके बाल ही बाल हो जाएंगे बहुत सारे। तो गुड लक को बहुत दिन से नहाया नहीं है। पापा, मैं टूर पे गया हुआ था तब एक बार नहाया, वो उसके बाद नहाया नहीं है। आज गुड लक को नहलाते हैं। तो जी हम आ गए छत पर गुड लक को नहलाने के लिए, और उसको पता लग जाता है कि जब हम छत पे आते हैं तो भाई, और जब हम बैठ जाते हैं और पानी भर रहा, देखो जरा पानी भर रहा है, उसको पता लग गया कि नहाने लगे हैं। और वो चुपचाप देखो वो दरवाजे के पास जाके खड़ा हो गया है कि बस दरवाजा खुले और मैं नीचे भाग जाऊं। गुड लक इधर आ। गुडो कम यार, अब नहीं आएगा ये, अब कुछ नहीं सुनेगा ये, इधर आ जा। देखो ये वहां बैठ गया चुपचाप कि भर मुझे नहलाएंगे अब। तो ये देखो ये नहाने के लिए दखड़े कर रहा है, अब ये इसी तरह पकड़ के लाएगा इसको। देखो इसके नाटक, ओ बैठ के नीचे घुस गया। ओ तेरी, ओ देखो, ओए इधर आजा। देखो अब ये किसी के हाथ नहीं आएगा, वो देखो नहाने के चक्कर में ऐसे भागता है ये। देखो अब ये इसी तरह उन्हें पकड़ लिया, अब ये सर्कस का बन गया डॉगी। ये देखो आ जा बेटे, तेरे को बताऊँ ये नखरे आ रहे तेरे को है ना। नहीं जरा हम फ्रेम में थोड़ा मुश्किल से आएंगे क्योंकि ये गुड लक की तरफ फोकस कर रखा है हमने जरा। तो इसे नहलाते हैं पहले, इसको रिश्वत देनी पड़ेगी बिस्किट। ये लीजिए बिस्किट, खाइए। चलो बहुत दिन हो गए नहीं आया तू। नहीं आया था, नहाता बड़ी शराफत से, नहाने में तंग नहीं करता, लेकिन उसको एक पे पकड़ना पड़ता बस। ये गुड लक का शैम्पू है जी, हिमालय का शैम्पू। ब्रांडेड चीजें यूज करते हैं जी हम भी, जैसे अपने लिए वैसे इसके लिए भी। हाँ बिल्कुल जरूरी है, हाथ में भी रगड़ेंगे। आया बेटे। हाँ। तो जी शैम्पू लग चुका है इसके अच्छी तरह, और इसका मुंह भी साफ हो गया है। इधर दिखा दे, उधर दिखा दे। कुछ। तो अब इसको चलो जी पानी डालो जरा इसके ऊपर। ओए राम राम से डालना है। चलो। इसका मुंह पानी से कैसे भरी? ऊपर जल्दी डालो, जल्दी जल्दी। फिर उसकी भी जैसे चले जाते फटाफट डाल दो। ओए राम से मुझे कदम लाना है, छोड़ दे दूर।
अब मैं इसको छोड़ूंगा तो इसका रिएक्शन देखना जरा। 1 2 3 ये देखिए ये हर डॉग करता है। ओए ये गंदा हो जाएगा, उठा इसको, उठा देखो। अब इसको गरम गरम जमीन पर लेटना है। इधर ले आए इसको, नहीं तो ये ऐसे ही करेगा। टॉवल दे दे इसका, टॉवल इसको साफ करे। बिल्कुल जी, बच्चों की तरह बांधना पड़ता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब करेंगे जी इसकी जरा कॉमिंग, क्योंकि नहाने के बाद इनके बाल बहुत झड़ते हैं, तो फिर वो सब जगह घुमाएगा, तो कॉम करके बाल निकाल देंगे सारे इसके। अब ये सूखने के बाद बहुत सुंदर है, इसको जरा ड्राई करेंगे ना इसके बाल, और इसकी कॉमिंग जरा अच्छी तरह ड्राई करके हेयर ड्रायर। छोटे छोटे बाल नहाने के बाद टूटते हैं ना, फिर वो सब हेयर ड्रायर से निकल जाते हैं। नहा चुका है, आप लगाएंगे इसको, इसका परफ्यूम सी ब्रीज बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, लेकिन इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। शांति से लगवा लिया है इसने, भाग नहीं रहा, नहीं तो ये बहुत तेज भागता है। अब इसको थोड़ी सी हैबिट पड़ गई है परफ्यूम की। स्पीड देखना, ओ भाई भाई देव देव देव। ओ तेरी, ये तो मेरे से ज्यादा स्पीड है इस बंदे की, तो भाई ओ तेरी। ये गाइस आया देखो यहाँ पे, चल चल अरे अंदर चल, चलो गाइस ये आया। देखिए नहाने के बाद बस फिर ऐसे खेलता है ये भाग रहा है भैया, भागता रहेगा इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। आ जा बिस्किट दूं, देखिए इसको मैं बिस्किट दूंगा ना, कैसे आएगा। गुड बिस्किट, गुड बिस्किट, गुड बिस्किट, गुड बिस्किट, कम ईट। देखिए 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 देखिए, तो ये नहला दिया गुडलक को, बड़े दिनों बाद नहलाया भाई इसको। वैसे तो मतलब सीताराम तो नहलाना था पीछे, होली वाले दिन भी नहाया था ये, बट आज जब मैं नहलाता हूँ फिर तसली से नहलाता हूँ, हर जगह शैम्पू वैम्पू एकदम, परफ्यूम कॉम हेयर ड्रायर, बाकी कोई भी ऐसे नहलाता नहीं इसको। तो चलिए बस अब हम खुद भी नहा लें, फिर उसके बाद समर कह रहा है मुझे नया बैग लेना ही नहीं है, रहने तो वही पुराना चल जाएगा। मैंने झूठ, अभी तुमने मुझे बोला था ये वीडियो पे आके बोल रहा है, अभी तुमने कहा था कि मुझे नया बैग भी नहीं चाहिए, नहीं ज्योमेट्री बॉक्स भी चाहिए, नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे नया। झूठ बोल रहे गाइस यार, सचिन यार प्लीज पापा यार चल लो यार, मुझे नहीं यार प्लीज। चलो ठीक है, पहले नहा ले और कुछ खा ले। तो ये गुड लक को नहाने के बाद हम भी नहा लिए जी, बस भाई नहा के अब करेंगे लंच, और समर ने कह दिया कि मुझे नया स्कूल बैग फाइनली नहीं चाहिए, मैं पुराने बैग से ही सेटिस्फाइड हूँ। नहीं चाहिए ना, कोई बात नहीं, ठीक है यार। तो जी ये कह रहे हैं पुराना बैग मेरा सही है, बिल्कुल फटा हुआ नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, मैं वही स्कूल ले जाऊंगा। तो पहले करेंगे लंच, और आज लंच में बने हैं हमारे फेवरेट, सबके फेवरेट, हिंदुस्तान के फेवरेट राजमा चावल। तो जी खाते हैं राजमा चावल और फिर उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि कोई काम नहीं है, कहीं मार्केट जाना नहीं है, कुछ सामान लाना नहीं है। ये देखिए शैतान का ध्यान सिर्फ इधर ही है, गेम खेल रहा है अपनी ये, लेकिन ध्यान इसका इधर ही है। तो चलिए देखते हैं क्या प्लान है, मूड तो नहीं कर रहा नया स्कूल बैग लेके देने का।
ये हमारे चावल एंड राजमा, अभी खाएंगे राजमा चावल और खाएंगे आम का अचार, खाएंगे गलगल का अचार, साथ में खाएंगे प्याज और दही। शहनशाहों की तरह खाना खाना चाहिए, मजा आता है, बिंदास। तो जी पहले सिर्फ एक बच्चे को बैग चाहिए था, दूसरा बच्चा भी तैयार हो गया कि मुझे भी बैग चाहिए, अब दूसरे बच्चे को भी बैग चाहिए। तो चलो गाइस चलते हैं, स्कूटी की सवारी, शानदार सवारी। ये बैग पे लगाने वाली है और छतरी ऐसे रख के बाद में चाहिए इसके अंदर, इसके अंदर चाहिए सब। ठीक है, आ गया समझ? हाँ। पक्का भैया? भैया फोर्थ क्लास के लिए दिखा दो। फोर्थ क्लास के लिए अच्छे। गाइस मैं अपने बैग लगा लेके आया हूँ, मतलब कैसा लगा? रोनाल्डो का बैग मस्त लग रहा है यार, ये कलर बढ़िया लग रहा है। चलो देखते हैं आप कमेंट्स में कोई बताएगा अच्छा लग रहा है कि नहीं बताएगा। अगर कमेंट्स नहीं आए तो इसका मतलब किसी को अच्छा लगा ही नहीं। गुड इवनिंग जी। तो जी आज का दिन कुछ ऐसा रहा जैसे आपने देखा, सिर्फ कुछ नहीं, आज गुड लक बनने लाया और बच्चों को स्कूल बैग लेके देने थे, बस वहीं गए और एज यूजुअल अपना डे आज ख़त्म हो गया घर के अंदर ही, फैमिली में एक साथ टाइम स्पेंड करते करते ही। और बस धीरे धीरे नए प्लान्स बन रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि सीज़न के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अभी रेनी सीज़न आने वाला है, अभी तो समर सीज़न ही आ रहा है पीक वाला, फिर रेनी सीज़न है, तो हर जगह किस सीज़न में जाया जाए उसके अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ता, नहीं तो इतना बड़ा प्लान होता है भाई, बहुत दिमाग लगता है प्लान बनाने के अंदर। सब चीज़ें चेकआउट करनी पड़ती हैं, कैसा टूर, कैसा रूट बनेगा, क्या वेदर कंडीशंस हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है एग्जीक्यूट करने के लिए नेक्स्ट प्लान को, नेक्स्ट टूर कहाँ का करें, बट जल्दी होने वाला है। और फिलहाल छोटी मोटी मस्तियाँ तो चलती रहेंगी, जैसे वाटर पार्क वाली, और वाटर पार्क तो जाना ही जाना है। तो जी बस आज के ब्लॉग में इतना ही है, जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ ना कुछ नई नई मस्तियाँ आती रहेंगी। आजकल थोड़े से ब्लॉग आपको बोरिंग लग रहे होंगे कि घर वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टच में रहूँ, मैं इसलिए छोटे छोटे ब्लॉग्स डाल रहा हूँ कि आपके साथ टच में रहें, नहीं तो फिर वो हैबिट छूट जाती है ब्लॉग बनाने की। तो ये बस आज के ब्लॉग में इतना ही है, हंसते रहो, वसते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, रब रखा।